देखिए सर, मैंने मैम को बता दिया है, वो अभी पेशेंट के साथ बिजी हैं। वो जैसे ही फ्री होंगी मैं आपकी बात करवाती हूँ। यस मनोज शाह, आप जाइए। सर एक्चुअली इन सभी पेशेंट्स की पहले से अपॉइंटमेंट है, तो इन्हें देखना पहले जरूरी है ना। पर मैम जैसे ही फ्री होती वो आपसे भी मिल लेंगी, आप प्लीज वेट कीजिए। जी अरे हाथ पे क्या हो गया बसंत? अरे मासा वो दू की कलम में स्याही भर रहा था, अब आदत तो रही नहीं, लग गई थोड़ी सी। भाई साहब, नंदू का सारा काम आज से मैं देख लिया करूंगी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नंदू की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ। गंगा तुम भी बैठकर नाश्ता कर लो। ठीक काम करोगे और मैं बैठ के नाश्ता करूंगी, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। मैं बाद में आपके साथ ही नाश्ता कर लूंगी। इसका मन है तो काम में हाथ बटा लेने दे। डॉक्टर साहब को नहीं आए नाश्ते के लिए? वो मुंबई गया है एकदम से। कोई जरूरी काम आ गया क्या? हाँ बहुत जरूरी काम आ गया, माफी मांगने गया उस गौरी नाम की बीमारी से। जे भी पता ना किसी को कि लौट के आवेगो भी कि ना। अच्छो खासो जीवे था जहाँ पे कै सूदी जाने एक झोंक में आके उठ के चढ़ोगे मत्था फिर गयो छोरे का। और वो आनंदी कितनी समझदार समझे हम उसको, उसका तो और भी मत्था फिर गयो, रोता ही ना उसने जगदीश को। भैरो बोल दीजो आनंदी को हमारे सामने ना पड़े अभी। हाँ उस वक्त भी जानबूझ के चली गई अपने कमरे में कि शिव के सामने कहीं सुना ना दूं आनंदी को। सब बस कीजिए ना, आप शांत रहिए, इतना तनाव आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। अरे कैसे शांत रहूं? अरे मुंबई सर जाने से पहले मिलने गया था जो आनंदी से, खुद न रोक पाई तो हमें ही फोन करके बता देती कि छोरा ऐसी बात करे ना, चुप बैठ गई। माजी साहब इसमें आनंद जी की कोई गलती को नहीं। देख जिस बात के बारे में ज्यादा पता ना हो ना बीच में ना बोलना चाहिए। हाँ मैं कोई गेड़ी ना हूं कि जो बेकार मैं आनंदी पे गुस्सा करूं। अरे उसी के कारण उसी ने जाने दियो जगदीश को गौरी के पास। ना माजी साहब, डॉक्टर साहब हमारे कारण मुंबई चले गए। मैंने ही उनसे कहा था कि उन्होंने आपने दूसरी लुगाई के साथ भी गलत किया। तुम्हारी बात हुई डॉक्टर साहब से, तब मैंने उनके बारे में सब कुछ पता चला और मैंने ये बात कही उनसे कि केवल आनंदी जी की थारी दूसरी बिंदनी गौरी उसे भी तो उतना ही दुख दिया ना था और अकेला छोड़ दिया। शुक्रिया गंगा, मेरी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से को फिर से मेरे सामने लाने के लिए। उस वक्त तो मुझे समझ को नहीं आया कि
ना पता चला कि शायद मारे बोलने पर ही उन्होंने मुंबई जाने का फैसला कर लिया। देवी माँ की सौ माजी से मारा थे लोगों के मन को दुख पहुंचाने की कोई मंशा को नहीं थी, लेकिन दुख पहुंचा दिया। माफ कर दो मने। अरे माफी मांग लेने से ये आपत्ति जाई पे खत्म ना होने वाली। कितना चाहती थी मैं मारा छोरा जाई रहवे घर पे आराम से सुख चैन से, ना जावे उस गौरी के पास। हम जाने उसे उसके लक्षण क्या क्या कर सके वो। छोटा वो बड़ी बात माजी सा, लेकिन डॉक्टर साहब गौरी के पास को नहीं जाते तो उम्र भर उनके मन को चैन को नहीं मिल पाता। और ऐसे बदलाव का क्या मतलब जो आपने मन में तो साफ ही बोझ रह जावे। तुम्हारी बात ना समझेगी। अरे क्या करे छोरी, दिखाई ना देवे पानी बाहर गिर रहा है। पानी बाहर कैसे गिर गया? अरे बड़ी हुए, अरे भर गयो गिलास, जगह ना रही उसमें तो बाहर गिर गया पानी। माजी साहब, डॉक्टर साहब का मन भी इस गिलास के समान पछतावे से भर गयो। मन में और किसी चीज के लिए जगह को नहीं बची, और कोई भी चीज जो जाएगी उस मन में वो फट कर बाहर गिर जाएगी। जो डॉक्टर साहब अपना मन हल्का कर ले देंगे तो हर चीज के लिए जगह बन जाएगी उनके मन में। नया सोचने के लिए, नया करने के लिए तैयार हो जाएंगे डॉक्टर साहब। कितनी बड़ी बात तूने कितनी आसानी से कह दी। मैंने तो बस वही कहा जो सब सुन के मुझे सही लगा। मुझे पता है कि डॉक्टर साहब जब वापस लौटेंगे तो बहुत खुशी होगी उनके मन में, ये बोझ को नहीं होगा। ये बात आनंदी जी बहुत अच्छे से समझे, इसीलिए को नहीं रोका डॉक्टर साहब को। कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी तूने। माफी मांगे जगदीश हजार बार, जी हड़का कर ले वे। जे उसका अच्छा पाने इसकी परेशानी ना मने। परेशानी में छोरी, वो छोरी तो अच्छी ना है। जगदीश को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सके। माफ ना किया अगर उसने उसको तो फिर से उसका जीना दुबर कर दियो तो। ये तो जाने ना ऐसी है जो गौरी, ऐसी हालत की इसने मारे छोरे की। अरे मेलों में पड़ने वाला बस सड़क पे पड़ा था। अजी साहब ते ठीक कहो, वो गौरी ने को नहीं जानू, लेकिन आनंदी जी के बारे में जितो सुना है, जितो देखा है और अब तक जितो जाना है, ये बात जरूर समझ गई हूँ कि वो बहुत समझदार है आनंदी जी। बस उनके विश्वास पर विश्वास रखो माजी साहब। ये देखना डॉक्टर साहब अठे जरूर लौटावेंगे। हाँ, तीर तो कमान से निकली गयो, अब क्या
उसे का हाथ थामे बैठे रहने से बचा रही के देखेंगे आनंदी पे विश्वास करके यदि उसका जो विश्वास सही ना हो तो जेठो गल्ली डॉक्टर गौरी से मिल सकता हूँ मैं? एक सेकंड, मिसेस कुलकर्णी, आप आइए। सर अभी वो पेशेंट्स के साथ बिजी हैं, वो जल्दी ही आपसे मिलेंगी। क्या आपने उन्हें बताया कि उनका बाहर वेट कर रहा हूँ मैं? हाँ सर, मैंने उन्हें बता दिया है कि आप बाहर वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी मैं आपको वेट करने के लिए कहूँ, वो जैसे ही फ्री होंगी मैं आपसे मिलवा दूँ। अरे रुको भाई, ये देखो ये बोरी फटी हुई है, सारा अनाज बाहर गिर रहा है, किसी ने देखा नहीं है? हाँ, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले सारी बोरियां चेक करो, फिर उनमें अनाज भरो। रास्ते भर ये सारा अनाज गिरता हुआ जाता, अब सिलाई करो उसकी। जी रुको, आगे से ऐसा ना होए। सुनिए, माखन ने बताया कि आप अभी तक गोदाम नहीं गए, तबीयत तो ठीक है ना? सुमित्रा, तबीयत तो ठीक है लेकिन मन ही नहीं किया जाने का। मासा की बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सर पे कोई नई चुनौती खड़ी हो गई है। रह रह कर दिल में यही ख्याल आ रहा है कि आनंदी के विश्वास की जीत होगी या नहीं, और फिर ये भी मन में आता है कि हम अपने बेटे के भविष्य की, उसके मन की शांति की बात कर रहे हैं। तुझे क्या लगता है सुमित्रा? चाहते तो सब यही है कि आनंदी के विश्वास की जीत हो, मासा भी यही चाहती है, पर पता नहीं क्यों आप ही की तरह मुझे भी डर लग रहा है। कहीं आनंदी गलत हुई तो उसका ये निर्णय कहीं मेरी ममता पर भारी ना पड़ जाए। नहीं नहीं सुमित्रा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और गंगा की बात सुनकर तो जी और हल्का हो गया। कितनी समझदारी से उस लड़की ने इतनी बड़ी और सच्ची बात इतनी आसानी से कह दी, मासा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया उसने। कोई कह सकता है कि ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है? सच कहूं सुमित्रा, गंगा को देख कर ना मुझे आनंदी की याद आती है, कुछ साल पहले वाली आनंदी। हाँ अच्छी तो है गंगा, पर मेरी आनंदी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हर माँ को अपनी औलाद ही अच्छी लगती है, दुनिया में उससे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता ना। ऐसी बात ना है, बस रह रहकर मन में एक ही ख्याल आता है कि गंगा ने अगर जग्या के मन में कौरी से माफी मांगने की बात ना डाली हो। गंगा ने जग्या से ये तो नहीं कहा था ना कि अभी मुंबई चले जाओ, उसने तो सिर्फ वही कहा जो सही है और जो होना चाहिए। और फिर सुमित्रा, अगर हम ये सोचते रहेंगे कि ये नहीं होता तो वो नहीं होता, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारा दुख, हमारे मन की परेशानी और पड़ेगी। आप जग्या को फोन लगाकर देखिए ना, अब तक तो गौरी से मिल चुका होगा वो। नहीं सुमित्रा, गौरी से मिल के और हमेशा के लिए बात खत्म करके वो खुद ही फोन करेगा। कितना अच्छा लगा सुनकर, गौरी से मिलकर हमेशा के लिए बात खत्म करके, बस अब ऐसा ही हो। मंदिर चलना? हाँ
वो आएंगे तो अच्छा होगा। कैना को भी ले चलते हैं, हम दोनों प्रार्थना कर लेंगे। वो अपने दूसरे बच्चे की आस में और मैं जाके अकेले। नहीं, इस समय जग्या को फोन करना सही नहीं होगा। हाँ नंदी, कहिए। वो ये पूछने के लिए फोन किया मैंने कि थोड़ी देर के लिए बड़ी हवेली हो आऊं क्या? आइडियली जब तक जगदीश वापस नहीं आ जाते आपको बड़ी हवेली नहीं जाना चाहिए। यही रास्ता है सबकी नाराजगी झेलने से बचने का। इतना प्यार करती हैं आप सबसे अपने परिवार में, और मैं जानता हूं कि सबकी बेरुखी आप सह नहीं पाएंगी। मैं आपकी बात समझती हूं शेफ, पर उन सबके पास मुझसे नाराज होने का कारण भी तो है ना। और जिस परिवार से मैंने इतना प्यार पाया है उनसे थोड़ी सी नाराजगी पाने में कुछ बुरा नहीं है, हक बनता है उनका। मानना पड़ेगा, सिचुएशन को देखने का बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग तरीका है आपका, और इस तरह सिर्फ आप ही सोच सकती हैं। ठीक, आप जाइए। आई हैव नो प्रॉब्लम, सिवाय इसके कि मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता। आप चिंता मत कीजिए, मैं दुखी नहीं हूँ। वैसे मैं भी आपके साथ चलता, अगर वो क्या है कि मेरी एक लॉयर के साथ मीटिंग है। तो रतन सिंह को ढूंढने के बाद गंगा को उसके बेटे की लीगल कस्टडी दिलवाने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब डिस्कस करना है। हाँ, गंगा और उसके बेटे के बारे में ये सारी बातें तो सोचनी ही पड़ेंगी। कोई बात नहीं, आप मिल लीजिए वकील साहब से, मैं हो आती हूँ। ओके, ठीक है, बाय। बाय। जब तक जगिया घर लौट कर नहीं आ जाता कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, पर फिर भी मुझे हवेली जाकर दादी साहब को ये विश्वास दिलाना ही पड़ेगा कि जगिया जल्दी ही वापस आएगा। रिश्तों के बनने और बनाए रखने में व्यक्ति की परिपक्वता अहम भूमिका अदा करती है। अपरिपक्वता के कारण ही रिश्तों में अलगाव पैदा होता है।